हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं जोगेंद्र कुमार, आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। और आज जो मैं आपको डिटेल कर रहा हूँ वो ग्लाइकोलिसिस का कर रहा हूँ। ग्लाइकोलिसिस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए। अभी आपके 11th में अगर आप हो तो आपके 11th में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th के बच्चे में ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन, ग्लाइकोलिसिस की डिटेल, की कितने स्टेप में प्रोसेस होती है, वो सब आपसे पूछा जाएगा। एंड सब जैसे आप नीट की तैयारी करोगे तो नीट में भी ये काफ़ी है, क्योंकि एक रोल अदा करता है। कैसे करता है वो चीज़ मैं आपको आगे डिटेल करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। एंड फाइनली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है, जब आप MBBS के फर्स्ट ईयर में आओगे तब वहाँ पे इसका और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो लास्ट वीडियो में बताया गया था कि तीन जो साइकिल है या चार जो स्टेप मैं आज डिटेल करूंगा, उस डिटेल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो आप MBBS के फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। जो आपको बायोकेमिस्ट्री की बुक मिलेगी, आप उसके अंदर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज पढ़ोगे तो उसमें आपको ये टॉपिक भी मिलेगा। वहां पे आप थोड़े अलग ढंग में पढ़ोगे, यहाँ पे मैं आपको 12th 11th के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट सब सेम यही है। आप वहां पे भी यही कंसेप्ट लगा सकते हो जो आज मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है वो याद रखेंगे। ग्लाइकोलिसिस सिंपल वर्ड, ग्लाइकोज, ग्लाइकीज मतलब होता है स्वीट, ओके, एंड लाइसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन। कि जब शुगर 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 मॉलिक्यूल में काफी सारे आते हैं, जैसे हमने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ओके, यानी डाइसेक्राइड जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फिर पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं, तो डाइसेक्राइड जो होते हैं वो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में टूटते हैं। डाइसेक्राइड कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा लैक्टोज, सुक्रोज की बात किया या माल्टोज की बात किया, ये हमारी बॉडी कभी इसी फॉर्म में इनको यूज नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है इसलिए इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो हमारी बॉडी क्या करती है, सबसे पहले इनको ब्रेक डाउन करती है। आपको पता होगा जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इन दो में टूटती है। देखो लैक्टोज इसमें आ रहा है तो गैलेक्टोज, ग्लूकोज तो तीनों में ही है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, इसमें भी ग्लूकोज होगा, इसमें भी ग्लूकोज होगा, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, तो इसमें जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आप इसके नाम से याद रखोगे कि लैक्टोज, तो ग्लूकोज इसमें, ग्लूकोज इसमें, ग्लूकोज इसमें, तो इसमें हो जाएगा गैलेक्टोज, याद है ना, लैक्टोज इसमें वर्ड आ गया, तो आपको इस चीज को याद रखोगे इससे। सुक्रोज जो होता है वो सुक्रोज दो में टूटता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, ओके, एंड माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में टूटता है। तो आपने क्या चीज याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बस यही होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग, ये सबको याद ही हो जाता है। बाकी ये तीनों के तीनों जो शुगर हैं, ये तीनों के तीनों शुगर डाइसेक्राइड शुगर होते हैं, क्योंकि स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए हम इनको शुगर कहते हैं। तो लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज, इसी के नाम से गैलेक्टोज नाम ले लिया, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है, माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम यहां से याद करते हैं, मतलब पहली चीज क्या आपको याद रखना है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल थी वो तीन साइंटिस्ट ने दी थी, वो तीन साइंटिस्टों का नाम याद रखना है। मैं कोई नहीं, कोई पूछेगा नहीं, आ सकता है साइंटिस्टों का नाम तो आप बता सकते हो, 11th के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। PMT वाला बच्चा हमेशा इसको एक बार तैयारी जरूर कर ले। एबडेन जो साइंटिस्ट है, सेकेंड मेयरहॉफ एंड थर्ड इज ए पार्नस जो अलग साइंटिस्ट है। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को दिया, बट इसको जो कहा जाता है, इसको आप कह सकते हो EMP पाथवे। EMP पाथवे किसको कहा जा रहा है भाई, ग्लाइकोलिसिस को। ग्लाइकोलिसिस का एक दूसरा नाम है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस का जो सेकेंड नेम है वो आपको याद रखना है। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है दैट विल बी टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ओके। तो ग्लाइकोलिसिस की मैं बात करूंगा तो ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, तो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में होती है, पहली चीज। तो दूसरा क्या होता है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और प्रेजेंस भी हो सकती है आप, लेकिन फिलहाल अभी याद रखोगे कि एब्सेंस में होती है, एब्सेंस ये ही याद रखना है। जब MBBS में आओगे तो आपको प्रेजेंस ही पढ़ सकते हो, क्योंकि वहां पे प्रेजेंस में बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल हुई तब भी ग्लाइकोलिसिस हो सकता है, और ऑक्सीजन नहीं हुई तब भी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है जो आपके 11th के अकॉर्डिंग है, NCERT के अकॉर्डिंग,
कि आप याद रखना साइटोप्लाज्म में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ओके, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है काफी बार। सेकेंड, इसमें मैं इंपॉर्टेंट एक और चीज बोलूंगा कि इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी डेफिनेशन है वो होता क्या है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 6 कार्बन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था ये स्प्लिट कर जाता है और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है 3 कार्बन पायरुवेट 3 कार्बन यानी पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है 3 कार्बन पायरुवेट ओके मॉलिक्यूल का। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है कि कब हो रहा है, ये कब हो रहा है कि अगर पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम आप बोलोगे पायरुवेट का फॉर्मेशन है तो आप बोलोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बट अगर इस पायरुवेट यानी अगर हमने बोला कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटा और ये पायरुवेट से कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो लैक्टेट का जो फॉर्मेशन होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी मैंने आपसे बोला कि कार्बन से यानी ग्लूकोज से 6 कार्बन से अगर लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है यानी ग्लूकोज से लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है तो आप बोलोगे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स मीन एनारोबिक रिएक्शन, एन एरोबिक रिएक्शन। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ग्लूकोज से पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो आप बोलोगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बट ये प्रोसेस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि ग्लाइकोलिसिस कब होती है, सॉरी कहां होती है, तो आप बोलोगे साइटोप्लाज्म में इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होती है, ग्लाइकोलिसिस जो होते हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें इसका ब्रेकडाउन होता है, बीच में डिफरेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल ये चीज कहां इंपॉर्टेंट है, एक तो वो चीज याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा, मैंने बोला ग्लूकोज से अगर पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप बोलोगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एरोबिक रिएक्शन। ओके, एरोबिक रिएक्शन, ये कंफ्यूजन आपके एमबीबीएस के लिए है। एमबीबीएस में जब आओगे तब आप इस चीज को याद रखोगे, वहां पे ऐसे डिफ्रेंशिएट किया गया इसको। एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर में आपको ऐसे डिफ्रेंशिएट किया गया है कि 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो 3 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, यहां तक की जो प्रोसेस होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, दैट इज एरोबिक रिएक्शन। ओके, सेकेंड जो होता है कि अगर ग्लूकोज से लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है यानी एनारोबिक रिएक्शन है। सिंपल सी बात है ना कि अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो पायरुवेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना, डायरेक्ट ग्लूकोज से मतलब पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा इंटरमीडिएट, एज ए इंटरमीडिएट पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है बट वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टेट में, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो उसका एनारोबिक रिएक्शन कह दिया। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो क्या है, वो आप इस चीज को याद रखोगे। ओके, तो ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन क्या होती है, सिंपली आप डेफिनेशन कैसे कहोगे कि ग्लाइकोलिसिस है क्या, आप बोलोगे 6 कार्बन ग्लूकोज इज स्प्लिट, ये स्प्लिट कर दिया इनटू द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल। ओके, अंडर एरोबिक रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। एंड सेकेंड, अगर और ये भी कह सकते हो जब 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो लैक्टेट में ब्रेक डाउन करता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक रिएक्शन, वो भी क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ये आपको आगे ये वाला जो डिटेल है ये एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में काम आएगा, बट फिलहाल जो आपको ये पढ़ना है ये आपके 11th के लेवल पे और आपके पीएमटी के लेवल पे, ये इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, नाउ हम ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस में आपको कैसे क्या इंपॉर्टेंट याद करना है, क्या है क्या नहीं, वो चीज को मैं आपको अब यहां डिटेल कर रहा हूं। ओके, नाउ बिगिन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है कि जितने भी, मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया आपको कि जो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं आपके पास, सुक्रोज फ्रक्टोज सॉरी सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, ये जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करते हैं किस प्रोसेस में, कि मैंने अभी यहां पे सुक्रोज मॉलिक्यूल को ले रहा हूं, तो जो सुक्रेज मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन करता है इनटू ए फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के अंदर ये ब्रेक डाउन कर गया। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते,
इसलिए पहले इनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है। तो सिंपल फॉर्म में अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना सुक्रोज से। अब इस ग्लूकोज यानी ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का जो लाइसिस है यानी ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है, मैं अब उसको डिटेल करूंगा कैसे करना है आपको, वो चीज याद करते हैं ठीक है। पहली तो हम इसके सारे प्रोसेस के स्टेप लिख लेते हैं। फर्स्ट चीज, ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो 10 स्टेप रिएक्शन होगी। 10 स्टेप में हम एक एक स्टेप की बात करते हैं। पहले ग्लूकोज जो होता है वो चेंज होता है, यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड, इससे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दैट इज ए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आप इस चीज को जब बार बार में पढ़ेंगे एक दो बार तो आपको ये रट जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहां पे क्या क्या इंटरमीडिएट कौन कौन से प्रोसेस होती है, मैं वो थोड़ा आपको ना केमिस्ट्री भी यहां पे यूज करूंगा और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ दिस फ्रक्टोज दैट विल बी ब्रेक डाउन इनटू ए अनदर मॉलिक्यूल दैट इज अ फ्रक्टोज इज विल इट विल बी यूज ब्रेक डाउन इनटू फ्रक्टोज 1 6। दो हो गए तो मैं इसको बोलूंगा 20 फॉस्फेट, 20 फॉस्फेट। एंड नेक्स्ट दैट इज ए ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ओके प्लस, यानी फ्रक्टोज 1 6 20 फॉस्फेट जो होता है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ब्रेक डाउन करता है, जिसको आप बोलते हो DHAP। मैं इसी की ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को फर्दर डिवाइड कर रहा हूं। कहां डिवाइड कर रहा हूं आप उसमें देखें कि ये 1 3 20 फॉस्फेट 20 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन किया, ओके 20 फॉस्फो ग्लाइसरेट, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड जो था एल्डिहाइड होता है वो 8 में चेंज होता है, यानी एल्डिहाइड का जो होता है वो 8 में चेंज होता है। 20 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड एंड दिस 20 फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे, अब यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 फॉस्फो 3 फॉस्फो फॉस्फो ग्लिसरेट यानी ग्लाइसरेट हो गया। अब ये 3 जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल यानी 2 फॉस्फो ग्लाइसरेट में चेंज होता है, ओके। एंड फाइनली प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है, फाइनल जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ वो होता है आपके पास पैप फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, ओके। एंड लास्टली बनता है आपके पास पायरुवेट, दैट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल। नाउ डिटेल आ गया, आपने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 10 स्टेप रिएक्शन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 10 स्टेप वो आगे से ब्रेक डाउन होना कि ग्लूकोज किस में, सॉरी 1 2 3 4 5 5 इसका इससे कन्वर्जेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से 9 एंड 10, यानी 10 स्टेप रिएक्शन होती है। इससे इसका कन्वर्जेशन यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मेशन। देखो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन, ये देखो यहां पे क्या आया, जब एटीपी, कैसे याद रखोगे कि एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि 6 फॉस्फेट। अब एक सिंपल सी चीज समझाने के लिए मैं आपको यूज करता हूं। आपने कभी देखा होगा कि जब एटीपी ब्रेक डाउन करती है, एटीपी जब ब्रेक डाउन करती है तो वो एडीपी प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का फॉर्मेशन करती है। तो मतलब क्या कि यहां पे जो फॉस्फेट आया उसका मतलब क्या होगा कि कोई एटीपी यहां पे ब्रेक डाउन हुई होगी,
तो उस एटीपी ने ब्रेक डाउन होके एक फॉस्फेट रिलीज किया होगा। तो अगर एक फॉस्फेट रिलीज किया होगा तो उस ग्लूकोज ने इसके साथ ले लिया, तो आपने क्या बोल दिया, यानी एक चीज आपको क्या याद हो गई कि यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक एटीपी मॉलिक्यूल यहां पे यूज हुआ, एक एटीपी मॉलिक्यूल यहां पे यूज हुआ, वो एटीपी ब्रेक डाउन हो गया एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। फॉस्फेट बेसिकली एक एनर्जी होती है, ये एक एनर्जी होती है। ओके अभी आप ये चीज यहां पे क्या देखा कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ कि एटीपी ब्रेक डाउन करी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ये वाला मॉलिक्यूल होता है, ये इस ग्लूकोज के साथ कंबाइन करा और आपने लिख दिया, यानी इसके सिक्स नंबर कार्बन एटम पे ही अटैच करता है, इसलिए इसको सिक्स फॉस्फेट बोला। तो आपने क्या पढ़ा, वही ग्लूकोज सिक्स कार्बन पे अटैच हुआ तो सिक्स एंड फॉस्फेट, तो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ। नाउ आप यहां पे क्या देख रहे हो, ग्लूकोज से फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो गया, बाकी तो एज इट इज है। यहां पे आप देख रहे हो ये एज इट इज है, जो जो यहां पे लिखा वो एज इट इज है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज से, अब यहां पे केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि आइसोमराइजेशन, ओके जो ये है बस उसका यही है, आइसोमर तो होते हैं, आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो यहां पे क्या हो जाता है, आइसोमराइजेशन हो जाता है। तो आपको इस चीज को यहां पे याद रखना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या कि जब फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट का फॉर्मेशन हुआ तो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बन गया, यानी आइसोमराइजेशन के लिए। तो यहां पे मैं एक एंजाइम का नाम भी ले सकता हूं, वो एंजाइम का नाम है यहाँ पे फोस्फो हेक्सोज आइसोमेराइज, ओके आइसोमेरेज, तो यानी फोस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज मतलब क्या, या फिर सिंपली आप बोलोगे यहाँ पे एक आइसोमेरेज एंजाइम यूज करता है, यूज होता है, जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में यूज कर देता है। ओके तो यहां पे बस फॉस्फो फॉस्फो हेक्सोज ग्लूकोज को सिक्स मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज, यानी फॉस्फो हेक्सोज आइसोमेरेज क्या है, जिसने चेंज किया इसको फ्रक्टोज में। नाउ अब फ्रक्टोज से देखो, फ्रक्टोज सेम वही मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट सेम है, ये भी सेम है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, लेकिन यहां पे 20 मतलब दो, यहाँ पे दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूज हो रहे, और दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे मतलब एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल आ गया, मतलब क्या, फिर दोबारा से एक एटीपी ब्रेक डाउन करे, तो फिर से एक एटीपी ब्रेक डाउन करेगी तो वो क्या देगी, फिर से एक एडीपी मॉलिक्यूल देगी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल देगी। तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो इसके साथ कंबाइन करा, अब कहां पे अटैच हुआ वाला, फर्स्ट कार्बन ऑफ फ्रक्टोज पे, तो क्या हो, क्या बन गया, फ्रक्टोज 1 फर्स्ट कार्बन पे अटैच हुआ ये वाला, तो फ्रक्टोज 1,6 पहले से 6 कार्बन पे एक था, तो 20 यानी दोनों को लेके मैंने क्या बोल दिया, 20 फॉस्फेट। ओके पहली चीज याद रखना कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन, मतलब एटीपी ब्रेक डाउन करेगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जो यहां पे फॉस्फेट था वो फॉस्फेट इस ग्लूकोज के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर दोबारा से आइसोमराइज करता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है उससे नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनता है फ्रक्टोज, सेम यही है, बट इसमें क्या है, एक और एक नंबर 1 कार्बन मॉलिक्यूल पे एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, तो हमने इसको बोल दिया 1,6 बिस फॉस्फेट, तो यहां पे फिर से एक और एटीपी यूज हो गया।